दीनदयाल उपाध्याय हॉस्पिटल के रेजिडेंट डॉक्टरों की दूसरे दिन भी हड़ताल जारी है और इस हड़ताल से लोग परेशान हैं। डॉक्टर राज्यसभा में एनएमसी बिल पास होने पर प्रोटेस्ट कर रहे हैं। इस हड़ताल से वहीं ओपीडी और इमरजेंसी सेवा पूरी तरह से बाधित होने से मरीज परेशान होकर लौटने पर मजबूर हो रहे हैं। डीडीओ में हड़ताल के कारण इमरजेंसी के साथ साथ ओपीडी के बाहर परेशान मरीज लौटने को मजबूर है। लोग एम्बुलेंस से पहुंचते हैं और उन्हें पता चलता है कि हड़ताल है। मायूस होकर मरीज परेशान नन्हे मासूम को लेकर वापस जाने को मजबूर है। बाहर का मोड़ से आया हूं। किसको दिखाया? बच्चों को दिखाना था। क्या हुआ बच्चे? हम कुछ रहा ना, कुछ प्रॉब्लम है, इसे दिखाने आए। बच्चे को लेकर क्या करेंगे बताओ? आए तो दिखाने के लिए है ना हम लोग, इसलिए आए बच्चे के दिखाने के लिए आए। वो कह रहे हाल ताला खा जाओ, बच्चे को हो जाए कौन हुआ। वहीं दूसरी तरफ बिल पास होने से डॉक्टरों का रुख और भी सख्त हो गया है। उनका कहना है कि ये बिल चिकित्सा सेवा को बर्बाद कर देगा। साथ ही डॉक्टरों का कहना है कि वे जनता से अपील करें कि इस लड़ाई में डॉक्टर का साथ दें, क्योंकि इस बिल के बाद जो झोला छाप डॉक्टर पढ़ेंगे वो जनता की जान लेंगे, क्योंकि विधायक सांसद तो अपना इलाज बड़े निजी अस्पताल में कराते हैं। इतना साफ है कि एनएमसी बिल पास होने के बाद डॉक्टर और सरकार आमने सामने है और डॉक्टरों के रुख से साफ है कि फिलहाल वो झुकने को तैयार नहीं है। ऐसे में 3-4 दिन ये हड़ताल और खिंच सकती है, जिसमें जनता पिसेगी। ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है, इस तरीके का बिल अगर पास होता है, जो कि न कि दमनकारी बल्कि विनाशकारी बिल है। एक तरीके से इसने पूरी तरीके से चिकित्सा व्यवस्था को नेस्तनाबूद कर दिया है। इस तरीके का बिल अगर पास होगा तो मुझे नहीं लगता है कि मेडिकल फ्रेटर्निटी जो है अगले 5 सालों में कोई काम कर भी पाएगी। आप ये समझिए कि पहला जो इनका मोटो है वो ये है, पहला पॉइंट जो है जिसका हम विरोध कर रहे हैं वो ये है कि ये चाहते हैं कि कोई भी क्वैक जो है वो एक तरीके से सिंपल तरीके से मैं कहना चाहूँगा कि ये क्वैक प्रैक्टिस को जो है लीगलाइज करना चाह रहे हैं। सिंपली कोई भी जो है 12वीं पास आदमी जो है वो वार्ड बॉय हो, नर्सिंग स्टाफ हो, आपका फार्मासिस्ट हो, हमारे जो आयुर्वेदा के डॉक्टर्स हैं वो होम्योपैथी वाले जो हैं वो, उनको सबको आपने 6 महीने के कोर्स करा के, ब्रिज कोर्स करा के, जिन्होंने जो ये कह रहे हैं कि ब्रिज कोर्स करा के ये वो एलिजिबल हो जाएंगे मेडिसिन की प्रैक्टिस करने के लिए, वहीं पे इन्होंने एक नेक्स्ट एग्ज़ाम रखा है, नेशनल एग्जिट एग्ज़ाम, जिसमें 5.5 साल बच्चा पढ़ाई करेगा MBBS का, और वो जब तक कि वो एग्ज़ाम क्लियर नहीं करेगा वो एलिजिबल नहीं होगा प्रैक्टिस करने के लिए। अभिषेक कपूर के साथ राखी पोद्दार, NN न्यूज दिल्ली। दिल्ली और NCR की खबरों के लिए देखते रहिए NN न्यूज दिल्ली NCR। लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें।